आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन का वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। आप सबको जितने भी दूरों नज़दीक से आए हैं खुश आमदीद कहता हूँ, आपको सलाम भी कहता हूँ और आपको क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक भी कहता हूँ। और जितने भी सेवन स्टार टीवी के लाइव प्रोग्राम से मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको पूरी दुनिया में मेरी तरफ से क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों। आज पूरी दुनिया में, दुनिया के हर कोने में, झोंपड़ी से लेकर महल, आसमान से लेके आसमान तक, पूरब से लेके मशरक तक, दुनिया के बल्कि चारों कोनों में खुशियां मनाई जा रही हैं क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर आया और उसकी ये मुबारक विलादत की याद है। हालेलुया। जब खुदा में यीशु मसीह पैदा हुए तो सारी खुदाई हरकत में आई, आसमानी कुवतें भी हरकत में, कायनात हरकत में, इंसान हरकत में आ गए और तलाश में आ गए और सिजदा करने के लिए और गवाही देने के लिए और पैगाम देने के लिए ज़मीन से आसमान तक सब हरकत में आ गए। और आज भी पूरी दुनिया इस वक्त जोश से भरी हुई है और परस्तश कर रहे हैं, हमद कर रहे हैं और माह नवंबर ही से लेकर के दिसंबर तक ईमानदार सारी दुनिया में वो खुदावंद यीशु मसीह की मुबारक विलादत का जश्न मनाते हैं और लोग सारा साल इंतज़ार करते हैं, सारा साल तैयारी करते हैं, सारा साल पूरी तवज्जो मरकूज करते हैं कि कब क्रिसमस आए और हम जश्न का आगाज करें और खुशियां मनाएं। क्यों? कि खुदावंद यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया कोई वो आम इंसान नहीं, वो खुदावंदों का खुदावंद, बादशाहों का बादशाह, खुदा का इकलौता बेटा और इलाही जात जिसने इंसानी जामा हमारे लिए पहना। इसलिए कभी भी इंसानी तारीख में कभी देखा कि जब कोई बच्चा पैदा हो तो फरिश्ते पैगाम दे? कोई हिस्ट्री में है? नो 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 नो, क्योंकि ये आम बच्चा नहीं पैदा हुआ जो बैतलहम में, ये जो खुदा बाप की गोद में था उसने इंसानी जामा पहना। हालेलुया। इसलिए फरिश्ते भी पैगाम दे रहे हैं इंसानों को, किडरियों को और मजूसी भी उस दौर के वो भी तलाश कर रहे हैं और यहूदी भी तलाश कर रहे हैं गडरियों के वसीला से और तमाम लोग जो हैं वो इंतज़ार में थे और यहाँ तक के नबियों की पेशनगोइयों के मुताबिक सबका ईमान ईमान था यहूदी लोगों का और जो कंवारियाँ थी वो इंतज़ार में थी कि काश, क्योंकि लिखा था कि वो कुमारी से पैदा होगा बेटा जनेगी, ये बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह की आमद से सैकड़ों साल पहले पेशनगोइयां थी और वो बाइबल मुकद्दस को मानने वाले थे, बाइबल मुकद्दस को पढ़ने वाले थे, लेकिन खुदा का फजल मुकस्सा मरियम पर हो गया, खुदा ने उसे चुन लिया। हालेलुया। और आज भी इस दुनिया में अरबों लोग हैं
लेकिन अगर आपको यीशु ने चुन लिया है और निजात दी है तो आप मुबारक हो, क्योंकि खुदा ने आपको भी चुना है और आप खुशी से और शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़ा क्या है, एजाज है। आइए हम कलामे मुकद्दस में से पढ़ेंगे, लेकिन आज कोशिश करता हूँ ज़्यादा वक्त ना लूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैं कहता भी हूँ कि आज के दिन ज़रा थोड़ा वक्त हम कलाम सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे ज़रूर, क्योंकि इसके बाद अभी बहुत सारे और मरहले हैं, घरों में हैं, मेहमान हैं, मेहमान नवाजी हैं और इन्जॉय है और जश्न का हिस्सा बाकी फैमिलीज के साथ है। हम पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील पाक दूसरा बाब, और उसके हम पढ़ेंगे नामी आयत से 12वीं आयत तक। खुदा के पाकलाम में इस तरह मरकूम है, वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और मूर लुबान सोना और लुबान और मूर उसको नजर किया और हेरोदीस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आज का मौजू ज्यादा वक्त नहीं लेता, लेकिन याद रखने के लिए ये है कि जब हम खुदा यीशु मसीह के पास आते हैं, कोई भी खुदा यीशु मसीह के पास आता है तो वो उसकी राहें तब्दील कर देता है। तो आज का मौजू ये है चेंज योर वे। मजूसियों की हिस्ट्री आपने सुनी, वीडियो में भी है, किताबों में भी है, बहुत सारे लोगों से खादमों ने सुनाई, हमने भी सुनाई, कहाँ से थे, क्या बैकग्राउंड था, उस तरफ नहीं जाते, थोड़ा वक्त लेते हैं। लेकिन जब वो पूर्व में सितारा देखते हुए यरूशलेम में पहुंचे तो वो पूछ रहे हैं कि यहूदियों का जो बादशाह है कहाँ पैदा हुआ है। सितारा उन्होंने देखा और यहां आकर के सितारे की रहनुमाई नहीं हासिल की, ना ये सोचा कि शायद सितारा हमारी रहनुमाई अब करेगा, और यहां ये महसूस होता है कि सितारा यहां गायब हो गया, और सितारा गायब होने की वजह से वो हेरोदीस बादशाह के पास चले जाते हैं, और हेरोदीस बादशाह तस्वीर है खुदावंद यीशु मसीह का दुश्मन जो उसे मारना चाहता था, तो उसके पास चले जाते हैं। लेकिन हेरोदीस बादशाह बड़ा पहले तो गजबनाक हुआ और फिर उसने क्या किया, उसने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, बेशक वो माहिर फलकियात थे, नजूमी थे,
इल्मे नजूम के माहिर थे, साहिर थे, फालगीर थे। बाइबल में जादूगर भी उनको कहा गया है। पुराने अहदनामा में खुदा इनके खिलाफ सजा का हुक्म करता है, यूसिया बादशाह आता है, इन्हें बड़ी सजाएं भी देता है। ये सारा मिक्सचर जादूगरी का था। लेकिन ताहम इन्होंने भी इल्म हासिल किया, माहिर फलकियात थे। लेकिन यहाँ आकर के आज हम एक इस पहलू से गौर करते हैं कि यहाँ आकर के कंफ्यूज हो गए। सितारा देखा, इल्म था, और जो दानियल नबी इन पर मुकर्रर था, लेकिन पुराने दौर में, इस जमाना में नहीं, वो बड़ा पुराना दौर था जब दानियल नबी नजूमियों पर सरदार बना। वो खुदा यीशु मसीह के दौर की बात नहीं, वो बहुत हजारों साल पहले की बात है। लेकिन वो इल्म आगे चलता रहा, उन्हें मजूसियों को इल्म मिलता रहा कि दानियल नबी ने पेशनगोई की है कि एक ऐसा आदमजाद आएगा जिसकी सल्तनत का खीर नहीं होगा और सारी सल्तनतें कौमें। ये दानियल नबी सातवां बाब लिख लें, पढ़ लें, जो दानियल नबी ने पेशनगोई की थी। तो वहाँ सीना बसीना इन्हें याद था कि एक ऐसा शख्स आने वाला है, ऐसा आदमजाद आने वाला है कि जिसकी सारी हम सारी प्रस्तुति करेंगे और उसकी सल्तनत का फिर आखिर भी नहीं होगा। तो लेकिन यहां सितारे की रहनुमाई में चले, जितना उनके पास इलम था और दानियल नबी के जरिए भी उन्होंने यकीन किया कि हाँ, और सितारा भी निकल आया, लेकिन यहाँ के कंफ्यूज हो गया है, सितारा गायब हो गया है। और ये कुछ 1700 किलोमीटर का फासला करके 2 माह में यरूशलेम पहुँचे हैं। तो यहाँ के कंफ्यूज हो गए हैं। और हेरोदेस बादशाह ने क्या किया, उसने सरदार काहिनों को जमा किया, उसने फकीहों को जमा किया जो बड़े मुफस्सर थे, बड़े आलिम थे। ये बाइबल में लिखा हुआ है, मत्ती की इंजील में। और उन्होंने कहा, ये जो मजूसी कह रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ एक कोई बच्चा पैदा होने वाला है, बादशाह पैदा होने वाला है। तो फिर फकीही सभी लीडर थे उस वक्त के, उन्होंने कहा हाँ, नबी ने यह फरमाया है। इसका मतलब है कि इल्हामी किताबों में लिखा हुआ है। हाँ, नबी की मार्फत जो पैगाम मिला है वो ये है कि ये बच्चा जो बादशाह होगा, यह यहूदिया के बैतलहम में पैदा होगा। और उन्हें भी पता चल गया, क्योंकि उनके पास इल्म महदूद था। इल्मे नजूम इल्म तो है लेकिन महदूद है। अगरचे ये सारा जो मारे फलकियात है, मैंने एक दफा बताया था, ये खुदा का अपना निज़ाम है, शमसी निज़ाम। ये 12 सियारे तफसील के साथ मैंने बताए भी थे। लेकिन ताहम जो 100% ऑथेंटिक इल्म और नॉलेज है वो खुदा के पाक कलाम में है। उन्होंने कहा हाँ, नबी की मार्फत ये है। वो तो कंफ्यूज हो गए हैं, लेकिन कलाम पाक के मुताबिक, नबी की नबूवत पेशनगोई के मुताबिक यही है कि वो यहूदिया के बैतलहम में पैदा हो। आज दुनिया को अगर खुदा जानना चाहता है कोई, तो दुनिया को खुदा के पाक कलाम की तरफ लौटना होगा। बाकी जितने अलूम हैं, थोड़ा बहुत इल्म दे सकते हैं,
लेकिन वो नामुकम्मल है। ये कायनात भी खुदा ने बनाई, ये कायनात भी खुदा का आम मुकाशफा है। इस कायनात के वसीला से खुदा बनी नो इंसान से कलाम करता है, सिखाता है, हिकमत सिखाता है। अब्राहम को भी कहा सितारे देख, तेरी औलाद ऐसी होगी, गिन सकता है। लेकिन ये मुकाशफा आम मुकाशफा है, लेकिन खास मुकाशफा खुदा की गहराई को जानने का, खुदा को पहचानने का, उसके बेटे की जो जात है उसे जानने का जो इल्म है, कामल इल्म है, वो खुदा का पाक कलाम है जो नबियों की मार्फत लिखा गया है। और आज ये खुदा का पाक कलाम बाइबल है। और फिर खुदावंद का कलमा जो मुजस्सम हुआ है वो खुदा का कामिल मुकाशवा है। अगर किसी ने खुदा को जानना है, उसके निजाम को जानना है, नजात को जानना है, जन्नत को जानना है, आखिरत के बारे जानना है, जिंदगी के बारे जानना है, गुनाहों की मुआफ़ी के बारे जानना है, तो खुदा का कलमा यानी जो मुजस्सम हुआ खुदावंद यसु मसीह खुदा का कामिल मुकाशवा है। बाप को किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो बाप की गोद में है उसी ने बाप को क्या किया है, जाहिर कर दिया है। आज अगर यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, जिस तरह हम अक्सर ये गीत भी गाते हैं, और तुझे जानूं और तुझे पहचानूं, तो फिर हमें खुदा के कलाम की तरफ आना पड़ेगा, खुदा के कलाम की और ज़्यादा तहकीक करनी पड़ेगी, ताकि हम खुदा और खुदावन यीशु मसीह की मोहब्बत की ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, उसकी ज़ात, उसकी कुदरत, उसकी कुव्वत को जाने। खुदा का पाक कलाम जो है उसकी तरफ लौटना पड़ेगा। आज भी जब कोई कन्फ्यूजन हो तो आज भी लोग बादशाहों के पास जाते हैं, बादशाहों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है मजूसियों की तरह। आज भी हमें खुदा के पाक कलाम को सुनना, सीखना और इसकी तरफ लौटने की जरूरत है, ताकि खुदा का जो मनसूबा है या यीशु मसीह जो उसका इकलौता बेटा, उसकी जात के बारे जानना चाहते हैं तो खुदा के कलाम की तरफ लौटें, ना के हाकमों की तरफ जाएं, या बड़े बड़े नाम जो हैं उनकी तरफ जाएं, या बड़े बड़े फलासफर जो हैं उनकी तरफ जाएं, जो बड़े बड़े इल्मे नजूम की किताबें हैं उनकी तलाश करें, उनको ढूंढें, वो आपको कंफ्यूज कर देंगी, लेकिन खुदा का कलाम, खुदा का चेहरा आपको दिखा देगा। और खुदा का चेहरा खुदावंद यीशु मसीह है, उसके जलाल का पर्दा है, उसकी जात का नक्श है। तो फिर क्या होता है, मैं इसे शॉर्ट करता हूं आज के दिन। फिर खुदा ने उन पर फिर रहम किया, क्या किया, जब काहिनों ने, फकीर ने नबी की मार्फत का जो पैगाम था वो सुना दिया, तो उन्हें समझ आ गई कि हमने कहाँ जाना है, अब कहाँ जाना है, बैतलहम में। तो फिर खुदा ने उसी कलाम के वसीला से उन पर फजल ये भी किया मजूसियों पर, कि फिर मैंने क्या पढ़ा आपके सामने,
कि फिर सितारा उनके उन्हें समझ आ गई कि परफेक्ट नॉलेज नबियों की मार्फत है। उनके आगे आगे चला और वहाँ सितारा जाके अटक गया, रुक गया, और उन्होंने उस बच्चे को देख लिया और उसे सिजदा किया और सोना मुर लुबान उसे नजरें पेश करके बादशाह मान लिया और कफारा देने वाला मान लिया और अब्दी कहन मान लिया। उनका सारा इल्म नाकस हो गया, लेकिन खुदा के कलाम के वसीला से फिर वो मुकम्मल हुए। आज जो भी कोई खुदा की तलाश करना चाहता है, यीशु मसीह के पास पहुंचना चाहता है, उसे इलाही जो इल्हाम है, खुदा का जो मुकाशफ है, उसकी तरफ लौटना पड़ेगा और आप उस तक पहुंच जाएंगे। बाकी दुनिया के जितने इल्म हैं, दानश्वर हैं, बड़े बड़े फलसफों की बात करते हैं, पादरी भी रगड़ा देते हैं, फलाना फलासफर, उस ये फलासफर ने ये बात कह दी, इल्मे नजूम ये बात कहता है, उनके भी सुनो। मैंने कहा कलाम में तो खुदा ने कहा मेरे बेटे की सुनो, उससे मैं खुश हूँ, मेरे बेटे की सुनो। तुम कहते हो फलासफर की सुनो, तुम कहते हो बादशाह की सुनो। उस वक्त भी बादशाह बड़ा बेदहता था, यीशु मसीह को क्या करना चाहता था, मारना चाहता, मुझे भी बताओ, मुझे बताओ, मैं भी उसे क्या करना है, सीधा करना है। मतलब क्या था, बादशाह को जाओगे तो और खराबी पे। आजकल दुनिया के बादशाह देख लो, बादशाहों की हिस्ट्री पढ़ लो, जो दुनियावी बादशाह है ज्यादातर सारे अय्याश बादशाह हुए हैं, अगर आपने हिस्ट्री बादशाहों की पढ़ी है। बादशाहों के पास जाने से मसले हल होंगे, बादशाहों के पास जाने से बरकत मिलेगी, हाकमों के पास जाने से बरकत मिलेगी, हाकमों को इज्जत देने से कुछ मिल जाएगा। यीशु से ज्यादा, कई लोग यीशु मसीह से ज्यादा किन को इज्जत देते हैं, हाँ जी हाकमान। चलो एक मिसाल जो अच्छी हो देनी चाहिए। कल एक बहुत बड़े मुफ्ती, बहुत बड़ा होता है, अच्छी बात इसलिए मैं कर रहा हूँ, बुरी बात होती ना कहता। उसने कहा कि मेरे दो, मैंने अपने दोस्तों को बताया, कल वो मुझे केक दे के गया मुफ्ती। उसने कहा, यह मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसने कहा मैंने अपने लोगों को बताया कि आप वजीरों को केक देते हो, मैं वीरों को देता हूँ। आप वजीर को केक दो, मैं अपने वीर को केक देने जा रहा हूँ। आज लोग ऐसे फिरते हैं पीछे, मैं हैरान होता हूँ कि यीशु मसीह को भी छोड़ जाते हैं पीछे। हैं, ये भी मजूसियों से मिस्टेक होगी कि सितारा की रहनुमाई छोड़ के बादशाहों के पास चला गया। बादशाह सलामत, उन्हें कि क्या आज जी दस्तरखान बिछे है बड़े बड़े खाने में, उसने भी वरगलाया। तो आज मैं आपको ये मैसेज देता हूँ कि आप खुशी से भर जाएं कि जब आप कलाम के मुताबिक उसके पास आ गए हैं। तो फिर आखिरी बात चलो करता हूँ मजूसियों के हवाले से कि जब वो बादशाह जब यीशु मसीह के पास आ गए, अब आप पर मैंने सवाल करना कि आपने क्या सुना, अलर्ट रहे। उन्होंने सिजदा भी कर लिया, ओके मान लिया, ओके अपनी नजरें पेश कर दी,
ओके और उसके बाद काम खत्म हो गया, उसके बाद क्या हुआ? देखते हैं क्या मैंने पढ़ा, आपने क्या सुना, उसके बाद क्या हुआ? फिर उन्हें उनको हदायत मिल गई कि जिस रास्ते से हो उसी रास्ते से वापस नहीं जाना, अगर यीशु के पास आ गए हो तो। चेंज योर वे, हम यीशु के पास आए हैं, वो हमारी राहें तब्दील कर देता है, पुरानी राहें बदल देता है, तारीकी की राहें बदल देता है। कलामे मुकद्दस में लिखा ऐसे भी राहें हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उसकी इंतहा में क्या है? मौत की। जब कोई यीशु के पास आ जाता है उसकी राहें तब्दील कर देता है, तारीकी की राहें चेंज कर देता है, उन्हें आगे और हदायत मिल जाती है। अब जो यीशु मसीह में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें देखो वो। हम शुक्रगुजार हैं यीशु के, जब हम यीशु के पास आते हैं वो हमारी राहों को तब्दील कर देता है, हमारे ख्यालात को तब्दील कर देता है, हमारी गुफ्तगू को तब्दील करता है, हमारी जिंदगी को तब्दील कर देता है, हमें एक नया इंसान बना देता है, जिस जिंदगी में, जिस घर में, जिस शहर में, जिस मुल्क में यीशु आता है इनकलाब आ जाता है, तब्दीली का, तब्दीली का इनकलाब। जकई के घर यीशु आया, तब्दीली आई, वहां लेक्चर दिया यीशु ने, सेमिनार किया, नो, यीशु जिंदगी में आने का सबूत है, इंसान खुद ब खुद तब्दील हो जाता है और इनकलाब आ जाता है। तो उसने कहा आप जो मैंने किसी से ना हक लिया है, यहां तो सेमिनार भी बड़े बड़े होते हैं फिर भी तब्दीली नहीं आती, यीशु को जिंदगी में आने की दावत दें, वो ही बातें, वो ही बदला, वो ही आदत। खुदा हमारी आदत को भी क्या करता है? बदल देता है। जकई लेने वाला था, अब पलूस की जिंदगी में आया, उसने कुछ सेमिनार अटेंड नहीं किया, यीशु आ गया, पहले वो मारने वाला था मसीहों को, अब वो कहता मैं नहीं उन मारना, मैं मार खाऊंगा। ये तब्दीली है, ऐसी आज भी मारने मारना मसीहों को, आपस ही मारना, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को मैं देखना नहीं चाहता। उन 50 साल हो गए ने, मैं कल परसों कह रहा कि ये बड़ी कबाहत है, मेरे हाल पता नहीं पास्टर ने दी मुँह कह रहे कैसे कि लोग जब आपस में नाराज हो जाए ना एक चर्च के, तो वो चर्च में नहीं जाते, क्यों? उथे की उथे फलाना आया है, क्यों जी? मैं तेरे को हां कोरोना ने, मैं सही कह रहे, सही कह रहे, ये तब्दीली है। खुदा की हजूरी में फलाए मैंने जाना ही नहीं, क्यों नहीं जाना? अगर यीशु बैतलहम में है तो सजदा करे, वह गडरिये भी आएंगे, मजूसी भी आ जाएंगे, लेकिन जब यीशु जिंदगी में आता है इनकलाब। जिन मुल्कों में, नॉर्वे के मेरे दोस्त हैं बड़े पुराने, मैं वहां जा रहा हूं 1983 से नॉर्वे में, तो एक खादम ने मुझे बताया कि हमारा जो मुल्क था, यहां आके बताया, मैंने कॉन्फ्रेंस की, सदर पाकिस्तान उस वक्त के थे, तारड़ साहब, मैं नाम भी लेता क्योंकि अच्छी बात कह देनी चाहिए, तारड़ साहब थे सदर,
उनके सामने उसने गवाही दी कि हमारा मुल्क डाकुओं का मुल्क था, व्हाइट किंग, जो समुद्र के पास से गुजरते थे वो लूटते थे, खाते थे, डाकू कहलाते थे नॉर्वे वाले। और अब पूरी दुनिया में नोबल इनाम ओस्लो में मिलता है। वो उसने गवाही दी, आके मौका उठाया, उसने कहा यीशु हमारे मुल्क में आया, हमारा मुल्क तब्दील हो गया। और वो नोबल अवार्ड जहां मिलता है, मैंने वहां डायरेक्टर से मिला, बड़े बड़े लोगों को जिनको नोबल इनाम मिले मैंने देखे, पीस अवार्ड, जिस मुल्क में, जिस खानदान में, जिस जिंदगी में यीशु आ जाता है वो जिंदगी तब्दील हो जाती है। और मजूसियों को हदायत मिली कि दोबारा उसी राह पर नहीं जाना है। और आज हमारे लिए भी हदायत नामा हमारा कौन सा है, हैं? खुदा का पाक कलाम है। ये भी हमें क्या देता है, हदायत करता है कि नहीं, हैं? हदायत नामा खुदा कि अगर पहला कोई बुरे काम करते हैं ओके, लेकिन अब क्या करना है। अगर पहले कड़वाहट सी तो अब क्या है, कड़वाहट ही रहे तो मुड़ के कहना, मुड़ के दसा की कहना, ऐ ना उंज बंदा अंदरों ठीक जे मूंह दा कौड़ा है। तो मैं कहना जेड़ा मूंह दा कौड़ा है, यीशु ने तो क्या है कि जो अंदर होएगा वही बाहर आएगा। मैनू नहीं समझ आती हूँ तुहाडी गल सही है या यीशु दी गल सही है। जब यीशु आता है मुआफी आती है, हालेलुया। जब यीशु आता है मोहब्बत आ जाती है, जब यीशु आता है दिल में रहम आ जाता है, जब यीशु आता है दिल में तरस आ जाता है, जब यीशु आता है बंदा अगले पहले गामजदा कभी मुँह तो हंसा ना आया फिर वो हंसता ही रहता। क्यों? कि यीशु क्या आया है, अंदर। अगर पहले ना शुक्रगुजार हैं, ना शुक्री का लफ्ज मैंने आपको सिखाया था क्या है, कुड़ कुड़, मर मर, आगे बुड़ बुड़, ग्रीक हिब्रू लफ्ज के माने हैं, और आगे साढ़ साढ़, हर वक्त साढ़ साढ़, मर मर, बुड़ बुड़, कुड़ कुड़, अंदर जांदिया कोड़ कोड़, बाहर निकलिया कोड़ कोड़, बादे च कोड़ कोड़, बीवी ना कोड़ कोड़, शौहर ना कोड़ कोड़, बच्चिया ना कोड़ कोड़, मार मार, साड़ साड़, मर गए, सड़ गए, लुटे गए। लेकिन जब यीशु मसीह अंदर आ जाता है, कस्सा मरियम के बदन में जब यीशु आ गया तो उसने क्या कहा, मैं खुदावंद की बड़ाई करती हूँ। उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर क्या की है, निगाह की है। हालेलुया। जिंदगी में एक इनकलाब आ जाता है, चेंज योर वे, चेंज योर थॉट। और खुदा का शुक्र है, मैं आपको ये बताता हूं कि आप ऐसे मुबारक हैं कि जो खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं, सारी जिंदगी बदल देता है, बल्कि वो जात भी बदल देता है। आपने अब झूम जाना है, ये लिखा हुआ बाइबल मुकद्दस में कि अब हम इलाही जात में क्या हो गए हैं, शरीक हो गया। हमारी जात भी बदल जाती है, बेशक चलो लाई रखो गिल पटी खोखर राजपूत, हाँ जी लाओ, क्यों नहीं लाना, ये भी हमारी दुनिया में लाने लाने।
लेकिन जब यीशु आता है, बाइबल की मैं बात कर रहा हूँ, वो हमारी जात बदल देता है, हम इलाही जात में शरीक हो जाते हैं, वो हमारा खानदान भी बदलता है। बाइबल में पढ़ा है बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हम खुदा के घराने के लोग हो गए। हालेलुया, हम नबियों की न्यू पर तामीर किए गए हैं, हम शाही खानों का फिरका बन गए हैं। ऐसी उम्मत खुदा ने बना लिया, चुन लिया, जो उसका जलाल जाहिर करे। कितनी बड़ी तब्दीली आती है, वो तो हमारी ना सिर्फ नेचर बदलता है, ना साहब हमारी आदत बदलता। कितने आम मुबारक हैं, वो हमारी जात भी बदल देता है। शौक ना पावे लाई रखो, खानदान बदल देता है। कई खानदान तो ही बड़ा फख्र होता है, साडा खानदान। बीबी कहती मेरा खानदान तेन पता बड़ा पुराना है जी, बड़े चौधरियों का खानदान। गल ना करी अगो दूसरा कहता मेरा खानदान जट्टा दे, उदू भी डाडे नहीं गल कर। तीसरा कहता मेरा खानदान राजपूत नहीं गल कर। लेकिन आप खुश नहीं कि आपका अब खानदान कौन सा है। हालेलुया, हम यीशु मसीह के वसीला से उसके बेटे और बेटियां बन गए हैं, हम खुदा के घराने के लोग बन गए। हालेलुया, तो फिर हमारे दिल शुक्रगुजार से भरे होने चाहिए कि नहीं है? हमें फिर फखर से चलना चाहिए जमीन पर के नहीं है? हमें फखर से बताना चाहिए कि हम खुदाबंद के लोग हैं। हालेलुया, हमें उसकी गवाही देनी चाहिए। यस, जिस तरह गडरियों ने कहा कि जो कुछ हमने देखा है उसको क्या करें। बाइबल में मैंने सुनाया कई दफा, गडरिये जब मिलके गए, मजूसी मिलके गए, उन्हें हदायत मिल गई चेंज और वे। जब गडरिये मिलके गए तो उन्होंने क्या कहा, ये भी बाइबल की बात ही आज बता देता हूँ जिनके लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कुछ हमने देख लिया है इसे अब हम मशहूर करें जाके, अब हमने जो बरकत हासिल की है, नजात पाली है, यीशु से मुलाकात होगी है, हमने इस दुनिया में उसकी जात को, बरकतों को मशहूर कर देना है। वर्शिप के जरिए से, हमदोसना के जरिए से, जश्न मनाने के जरिए से, प्रोग्राम्स के जरिए से, त्योहार मनाने के जरिए से, अपनी लाइफ के जरिए से, अपनी गवाहियों के जरिए से, हमने अब क्या करना है, खुदावन यीशु मसीह को मशहूर करना है। कई कई शैतान नहीं चाहता, यह शैतानी बिद्दत ख्याल है पीछे। कई कहते हैं जी क्रिसमस ना मनाओ, एवं रौला बंद रहे डेट। मैं कहना तानू अपने, अगर पाकिस्तानी सुन ले, मनो नगर दादे झगड़ दादे दी दसो कितों पैदा हुए। मैं चैलेंज करना, दादा पड़दादा नगर दादा झगड़ दादा दसो कितों पैदा हुए। इसमें डेट का पता झगड़ दादे दी, तो फिर तुम उत्तों नहीं डिगे। पैदा हुए यीशु, पैदा होया कि नहीं, तो फिर क्यों ना हम मुबारक विलादत को मनाए। वाए वाए, ये बिदती लोग हैं। शैतान नहीं चाहता कि यीशु मसीह की बरकत है मशहूर। अमीर औला भी छुपा ले, बाइबल में सारे नबियां लिखी है, उदो पैदा होया उदो पैदा है। फिर मैं आपको आकर मैं ये बताता हूँ, उन्हें जवाब दें। पाकिस्तान में चूंकि आप पढ़े लिखे हो,
ज्यादा नहीं श्री जानते, पाकिस्तान की तो जानते होंगे। दो बड़े नाम, चलो मैं लेता नहीं, सवालिया निशान, बड़े मशहूर दो नाम जिन्होंने अपनी बर्थ डे की डेट चेंज की है। वो सेलिब्रेट नहीं करते लोग, तो जो मर जाते हैं मोए की भी वो सालगिरह मना रहे हैं, बरसी छोड़ के अब सालगिरह मनाते हैं। तो हमारा यीशु तो जिंदा है, उसकी कब्र तो खाली है, हम क्यों ना जश्न मनाएं? कौन हमें रोक सकता है? शैतान की कोई कुवत नहीं रोक सकती। हम नस्ल दर नस्ल पहले से ज्यादा विलादतुल मसीह का जश्न मना के शैतान को बताएंगे कि हमारा यीशु नजात दहिंदा है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।